हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 में जो हम लोगों का रिमेनिंग टॉपिक रह गया था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। लास्ट क्लास तक में हम लोग यूनिट नंबर 8 कंप्लीट कर चुके थे, तो हम लोगों का डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर के इस पूरे सिलेबस में हम लोगों का आज जो ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ये हम लोगों का रिमेनिंग रह गया था। इसके बाद आपका डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर का पूरा थ्योरी सिलेबस मेरे एंड से आपका कंप्लीट हो जाता है। रिमेनिंग रह जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो हम लोग आगे लाइव सेशंस लेंगे और उसमें हम लोग चैप्टर वाइज यूनिट वाइज करके हम लोग लाइव सेशंस में ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसका शेड्यूल आगे आपको दे दिया जाएगा। आज के क्लास के बाद आपका डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा मेरे एंड से। एक दो क्लासेस और हम लोग लेंगे जिसमें आपके कुछ जो कॉन्सेप्चुअल डाउट्स रह गए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे थे, उन सारे को हम समराइज करके एक दो क्लास रखेंगे जो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लास होगा, जो सिंगल रिइंफोर्स्ड के, डबल रिइंफोर्स्ड के, टी बीम्स के, स्लैब के, इन सारे से जुड़े हुए जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे उन सारे को हम एक दो क्लासेस में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके थ्रू हम लोग बात करेंगे कि आपको क्या क्या डाउट्स आपके दिमाग में आ रहा था और उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, उस डाउट्स को हम लोग कैसे क्लियर कर सकते हैं, ये हम लोग बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। लेकिन थ्योरी पोर्शन की अगर हम लोग बात करें एज पर सिलेबस, तो आज के क्लास के बाद वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आज के क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो हम लोगों का यूनिट 1 का पार्ट है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आईएएस कोड हम लोगों को एजम्पशंस क्या क्या कहता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, जैसे हम लोग लिमिट स्टेट में पढ़े थे उसमें एजम्पशन पढ़े थे, उसके एनालिसिस का पार्ट पढ़े थे, उसी तरह हम लोग इसमें भी एजम्पशन पढ़ेंगे और इसके एनालिसिस का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एनालिसिस में हम लोग सिर्फ एक सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का एक एनालिसिस करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिट स्टेट से निकालते थे तो क्या वैल्यू आता था, और अगर हम उसको वर्किंग स्ट्रेस मेथड से निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला उसका निकल करके आता है। न्यूमेरिकल्स पे नहीं जाएंगे, सिर्फ एनालिसिस करके हम लोग अपना क्लास को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपके एसबीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड का सिर्फ आपको एनालिसिस और उसके अजम्पशंस जो थ्योरी है उसका वो आपको समझाना है, वो आपको बताना है। इससे ज्यादा आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कवर नहीं करना है, अदरवाइज वर्किंग स्ट्रेस मेथड से भी टोटल कैलकुलेशन होता है। जो आप 8वां यूनिट अभी पढ़े थे, बीम्स, कॉलम, स्लैब, फाउंडेशन, ये सारी चीजें आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड से भी कैलकुलेट होती हैं, तो हम लोग उतना डीप में उसमें नहीं जाएंगे। तो अब सबसे पहले हम लोगों का जो आज का डिस्कशन होगा वो होगा कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता क्या है। हम लोग जब इनिशियली एक बार लिमिट स्टेट मेथड स्टार्ट किए थे यूनिट नंबर 2 से, तो आपको एक बेसिक आइडिया दिए थे लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड पहले आया था। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग लेते थे कि हम लोग लोड को, जैसे हम लोग लिमिट स्टेट के मेथड से आपको समझाएंगे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या डिफरेंस हो रहा था। इसी के लिए हम लोग इस क्लास को सबसे लास्ट में रखे थे कि आपको लिमिट स्टेट मेथड पहले हम समझा दिए, लिमिट स्टेट मेथड के कॉन्सेप्ट आप पूरी तरह से समझ गए हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अब हम लोग उसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है, ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या करता था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड का नाम है, जैसे वर्किंग स्ट्रेस, ये आपको वर्किंग लोड्स को पहला कंसिडर करता था। हम लोग लिमिट स्टेट में क्या करते हैं, हम लोग फैक्टर्ड लोड को लेकर के चलते हैं, मतलब हम लोग एज्यूम करते हैं कि लोड जो हमारे बिल्डिंग पे आएगा उसको हम लोग 1.5 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं कि मैक्सिमम लोडिंग इतना हो सकता है। उसके हिसाब से हम लोग स्टील और कंक्रीट जो कंबाइन होकर के आरसीसी बनाता है, हम लोग दोनों का पार्टिकुलरली स्ट्रेस का वैल्यू देखते हैं कि ये स्ट्रेस का वैल्यू कितना आएगा, मैक्सिमम इसका लिमिट कितना है, और उसके हिसाब से हम लोग अपना जो साइज प्रोवाइड करते हैं, रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अब इस लिमिट स्टेट मेथड को सेटिस्फाई करने में दो प्रॉब्लम आता है। पहला जो प्रॉब्लम नहीं है, पहला सॉल्यूशन होता है कि आपका साइज जो होता है वो, जब आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम लोग समझेंगे डिजाइन, उसके कॉम्पेटिवली लिमिट स्टेट मेथड में आपका साइज जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर आपको कोई एक बीम 300x900 mm का रिक्वायर्ड आ रहा था वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, तो आप जब उसको IS 456:2000 में लिमिट स्टेट मेथड का कॉन्सेप्ट से जब आप डिजाइन करेंगे, हो सकता है वो आपको 300x600 का डिजाइन हो गया है। तो 300x600 का हुआ मतलब आपका कॉन्क्रीट सेव हुआ। फिर आपको जो रेनफोर्समेंट आता है वो रेनफोर्समेंट भी थोड़ा आपको परसेंटेज में कुछ रिड्यूस होकर के आ जाएगा। ओवरऑल आपको सेविंग्स होता है लिमिट स्टेट मेथड से। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग दो पार्ट पढ़े थे, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। दोनों का मतलब क्या था, कोलैप्स का मतलब था कि हम लोग उसको एक तो फेलियर से बचाएं, उसके लिए हम लोगों को साइज और स्टील आ गया, कॉन्क्रीट का साइज और स्टील हम लोगों को कितना लगेगा। दूसरा था लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, सर्विसिबिलिटी में क्या था कि आपका डिफ्लेक्शन कितना आएगा, क्रैक्स आएगा या नहीं आएगा, क्रीप का क्या कॉन्सेप्ट होगा, ये सारी चीज़ों का हम लोग सर्विसिबिलिटी कंडीशन में समझते थे, जो बिल्डिंग के सर्विस में आपको यूज़ होगा। जैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं बिल्डिंग को, 10 साल बाद उसमें कहीं डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया, ये सारी चीज़ों को लिमिट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ को कंसिडर करता था लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड कहता था कि साइज कम देंगे, रेनफोर्समेंट कम देंगे, डिफ्लेक्शन आएगा, क्रैक भी आएगा, लेकिन वो डिफ्लेक्शन और क्रैक अगर कुछ परमिसिबल लिमिट्स के अंदर होता है तो फिर आपका वो कंपोनेंट जो आप बीम बना रहे हैं तो बीम या कॉलम बना रहे हैं तो कॉलम आपका सेफ है।
अब उसके लिमिट्स के बारे में हम लोग नहीं डिस्कस किया, हम लोगों के सिलेबस में वो नहीं कवर हो रहा है, लेकिन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी भी पढ़ा जाता है। जो बीटेक के स्टूडेंट्स होते हैं वो सर्विसिबिलिटी भी पढ़ते हैं, वो डिफ्लेक्शन भी कैलकुलेट करते हैं और वो आपको क्रैक्स भी कैलकुलेट करते हैं कि कितना एमएम का क्रैक्स आ रहा है। उस क्रैक्स के हिसाब से डिसाइड होता है कि ये आपका जो कंपोनेंट आप डिजाइन कर रहे हैं ये इसका साइज परफेक्ट है या साइज बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। ये होता है हम लोगों का लिमिट शेड का कॉन्सेप्ट। वर्किंग स्ट्रेस क्या करता था, हम लोग डिस्कस किए थे कि वर्किंग स्ट्रेस ये सर्विसिबिलिटी कंडीशंस को नहीं कंसिडर करता है कि हम लोग एक बीम प्रोवाइड करें उसका साइज रिड्यूस हो जाए, उसमें क्रैक आ जाए, डिफ्लेक्शन आ जाए, तो उस समय उसके कोई बेसिक्स उसके पास नहीं थे, कोई कैलकुलेशन नहीं थे, कोई डेटा नहीं थे। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड कहता था कि हम लोग कंपोनेंट यूज कर रहे हैं जैसे स्टील और कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो उसका स्ट्रेस लेवल हम लोग पहले क्या करते हैं रिड्यूस कर देते हैं वर्किंग कंडीशन तक। अभी हम लोग जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ रहे थे लिमिट स्टेट में, उसमें आप देख रहे थे कि कुछ दूर तक तो वो हुक्स लॉ फॉलो होता है, लेकिन उसके बाद फिर आपको जो उसमें स्ट्रेन है वो आपको इंक्रीज होता है, मगर स्ट्रेस इंक्रीज नहीं हो सकता है। मतलब स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी जो होता है वो एक लिमिट हो जाता है। हम लोग कॉन्क्रीट पढ़े थे तो 0.0035 के बाद उसमें क्रैक्स आ जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और उसमें जब हम लोग स्टील पढ़े थे तो स्टील में भी हम लोगों को दो कर पड़े थे, माइल्ड स्टील का पड़े थे और HYSD का पड़े थे। अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड कहता है कि आपको ये स्टील और ये कंक्रीट ये दोनों ही के आपको सिर्फ हुक्स लॉ के लिमिट तक का जो वैल्यू आता है सिर्फ आपको वो फॉलो करना है, उसके आगे आपको फॉलो नहीं करना है। मतलब आपको क्या करना है कि एक मेंबर या एक कंपोनेंट जिसका एक्चुअल कैपेसिटी कुछ ज़्यादा है आपको वो ज़्यादा वैल्यू नहीं लेकर के आपको पहले उसका वैल्यू कम बता देना है। अगर वो 500 न्यूटन तक का लोड कैरी कर सकता है आपको उसको 300 न्यूटन तक बताना है। तो 300 न्यूटन तक जब बताएंगे तो हम लोग उसके कैपेसिटी को कम बता रहे हैं तो हम लोगों का साइज ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाएगा, साइज हम लोग इतना ज़्यादा दे देंगे कि वो लोड को सेटिस्फाई कर लेगा, फेल नहीं करेगा, मगर उसमें ना डिफ्लेक्शन आएंगे ना क्रैक आएगा, क्योंकि हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा साइज प्रोवाइड कर दिए हैं तो उसमें क्रैक्स और डिफ्लेक्शन को बचाते थे हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। लिमिट स्टेट मेथड आया अल्टीमेट लोड में, क्या करते थे कि हम लोग अल्टीमेट लोड तक उसमें चेक करते थे तो उसमें आपको क्रैक सेव हो जाता था, सॉरी उसमें आपको कॉम्पोनेंट सेव हो जाता था चाहे बीम हो चाहे कॉलम हो, लेकिन उसमें क्रैक्स और डिफ्लेक्शन आ जाते थे। अब दोनों के बीच का रास्ता था लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड आपको साइज भी सफिशियंट दे रहा है और आपको क्रैक्स और डिफ्लेक्शन भी दोनों को प्रॉपरली चेक कर ले रहा है। तो हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को हुक्स लॉ तक ही फॉलो करते हैं, जहां तक हुक्स लॉ फॉलो होता है वहां तक हम लोगों का स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग लेते हैं, उसके आगे जहां से लीनियर नहीं होता है, जहां से लीनियर जो आपका बिहेवियर होता है मटेरियल का वो खत्म हो जाता है, नॉन लीनियर बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है, उसके आगे के स्ट्रेस को हम लोग कंसिडर ही नहीं करते कि वो उसका स्ट्रेंथ है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग कॉन्क्रीट की बात करेंगे तो कॉन्क्रीट का हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाए थे कुछ ऐसा, तो इसमें आपका यहां तक का जो वैल्यू था ये आपका स्ट्रेट था तो ये फॉलो कर रहा है हुक्स लॉ को। मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर आपको स्ट्रेस पता चल जाए और आपको इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है तो आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में आप स्ट्रेन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको हुक्स लॉ हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहां तक वैलिड होता है जहां तक आपका ये लीनियर हो रहा है, इसके आगे से ये लीनियर होना खत्म हो जाता है। तो हम लोग क्या करते थे कि अल्टीमेट लोड मेथड लेता था ये वाला वैल्यू, वर्किंग स्ट्रेस मेथड लेता है ये वाला वैल्यू, ये हो गया अल्टीमेट लोड मेथड। लिमिट स्टेट मेथड क्या किया था, अल्टीमेट लोड ये उसको बाद उसको आप क्यूब स्ट्रेंथ के हिसाब से आप निकाले कि जब आप उसको सिलेंडर में करेंगे तो क्या आएगा, तो 0.8 कर दिए, फिर उसको 0.85 टाइम्स कर दिए और अल्टीमेटली आप निकाल के लाए कि आपका डिजाइन स्ट्रेंथ जो होगा वो होगा 0.446 ऑफ FCK, ये लाए आप लिमिट स्टेट मेथड। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या किया, सबसे कम वाले स्ट्रेस को आपके लेके चल रहा है। अब ये सबसे कम वाले स्ट्रेस को जब आप लेके चलते हैं तो आपका फॉर एग्जांपल अगर 0.446 FCK आप निकाल के रहे थे और इधर अगर आप 0.25 FCK ही अगर आप अपना स्ट्रेंथ लेके चल रहे हैं तो 0.25 FCK के हिसाब से आपको साइज ज्यादा रिक्वायर्ड आएगा। तो ये होल कॉन्सेप्ट जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड का ये सिर्फ इस पे है कि आपका ये कॉन्क्रीट का है और अगर हम लोग जैसे माइल्ड स्टील की बात कर लें तो इसमें आपको ये कह रहा है कि यहां तक लीनियर है तो यहां तक का ही आपको स्ट्रेस लेना है। हम लोग क्या करते थे, यहां के बाद से हम लोग एक कुछ ये वाला वैल्यू लेते थे जिसका हम लोग इंजीनियरिंग कर्व कुछ इस तरह से बना देते थे। तो ये वाले वैल्यू को हम लोग लेके चल रहे थे लिमिट स्टेट मेथड में, ये वाला वैल्यू होता था अल्टीमेट लोड मेथड में और इसको लेने कह रहा है वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। ये हम लोगों का एक एजम्पशन भी है, एजम्पशन नंबर 2, द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड इज ए स्ट्रेट लाइन। मतलब ये कह रहा है कि अब जब हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करेंगे उसमें जब हम आपको कहेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बताइए अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड तो ये सिर्फ आपका ऐसा होगा। ये किसके लिए होगा, कॉन्क्रीट के लिए भी होगा और ये आपका स्टील के लिए भी होगा।
ये कह रहा है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड का एजम्पशन नंबर टू कि आपको सिर्फ ये कंसिडर करना है। अब आपका यहाँ पे था आपका एक्चुअल लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से वो सारी चीजें खत्म हो गई, ये वैल्यू आपका मैक्सिमम हो सकता है, ये मैक्सिमम स्ट्रेन और ये मैक्सिमम आपका स्ट्रेस, ये चीज आपको कह रहा है वर्किंग स्ट्रेस मेथड कंसिडर करने के लिए। अब इसी के हिसाब से आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो जाते हैं। जब आपका स्ट्रेस का वैल्यू कम हो जाता है तो आगे आप देखेंगे कि आपका जो साइज का रिक्वायरमेंट आता है वो आपका ज्यादा आता है। अब इस चीज को समझने के लिए आपको कुछ कंडीशंस बताए गए, कुछ एजम्पशंस बताए गए हैं, आपको ये स्ट्रेस टेन को फॉलो, हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो इसके लिए कुछ आपको परमिसिबल स्ट्रेसेस का वैल्यू दिया गया है, उसके लिए मॉड्यूलर रेशियो नाम का एक कॉन्सेप्ट आता है, वो सारी चीजों को हम लोग अभी एक एक करके समझेंगे। जैसे जैसे हम लोग एजम्पशंस डिस्कस करेंगे वैसे वैसे करके हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स को समझते चले जाएंगे। अब एजम्पशन नंबर वन, एट एनी क्रॉस सेक्शन प्लेन सेक्शन विल रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, ये हम लोग लिमिट स्टेट मेथड में भी डिस्कस किए थे कि अगर आपका ये क्रॉस सेक्शन है, ये अगर आपका एक बीम है, इसके ऊपर जब आपका लोडिंग आता है ये आपको इस तरह से डिफ्लेक्ट करता है, तो ये डिफ्लेक्ट करने के बाद अगर ये साइज बी है और ये साइज डी है तो आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप सेक्शन काटेंगे तो जो आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे वो बी और डी का ही रहेगा, यहां से भी काटेंगे तो यहां पे भी क्रॉस सेक्शन आपको बी और डी का ही रहेगा, मतलब बेंड होने की वजह से ये फिगर आपका कुछ इस तरह से करके ऐसा नहीं हो जाएगा, ये ऐसा करके कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, ये बेंड करने की वजह से इसके शेप में चेंज नहीं होगा। जब शेप में चेंज नहीं होगा तो आपका स्ट्रेन का जो बिहेवियर होगा वो आपका लीनियर होगा, तो लीनियर बिहेवियर होगा तो लीनियर बिहेवियर से आपके कैलकुलेशंस में इजी हो जाता है। अगर आप स्ट्रेन को लीनियर कंसीडर करेंगे तो आप स्ट्रेसेस को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। इस पर्पस के लिए आपको ये अजम्पशन कहा जाता है कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, मतलब बेंडिंग के पहले भी बी और डी था तो बेंडिंग के बाद भी आपको बी और डी है, ये हम लोग लिमिट स्टेट मेथड में डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा डिस्कस कर दे रहे हैं। ये आपका अजम्पशन नंबर वन। अजम्पशन नंबर टू हम लोग बता दिए, द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड इज अ स्ट्रेट लाइन। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में दो चीज आपको ध्यान रखना है, पहला कि हम लोग वर्किंग लोड्स लेंगे, हम लोग जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लगाते थे आपके लोडिंग के लिए वो वाला हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे हम लोग फैक्टर्ड मोमेंट निकालते थे, फैक्टर्ड लोड निकालते थे, वो फैक्टर्ड लोड और फैक्टर्ड मोमेंट इसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड के कॉन्सेप्ट में नहीं आता है। इसमें आता है कि सिर्फ वर्किंग लोड, जो आप डेड लोड कैलकुलेट किए, लाइव लोड कैलकुलेट किए, वो आपका टोटल लोड हो गया। तो आप लोड कम ले रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट है कि हम लोग स्ट्रेस भी कम लेंगे। लोड आप फैक्टर्ड कर लेते थे 1.5 तो आप उसका लिमिट स्टेट के हिसाब से आप निकालते थे कि आपका फैक्टर्ड आपका जो स्ट्रेस होगा वो कितना होगा। हम लोग वो दोनों चीज को वर्किंग स्ट्रेस मेथड कहता है कि ना उसको कंसीडर करेंगे ना इसको कंसीडर करेंगे, उसके बाद हम लोग मेंबर को डिजाइन करेंगे। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो कंजर्वेटिव हो जाता है, जब आप स्ट्रेस रिड्यूस कर देते हैं तो स्ट्रेस रिड्यूस कर देने से आपका रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ता है, क्योंकि आप सारे फॉर्मूलाज देख चुके हैं, आप स्लैब डिजाइन किए, कॉलम डिजाइन किए, बीम डिजाइन किए, सब में आप देखते हैं कि आपको स्ट्रेस के ऊपर, जैसे आप 0.36 एफसी के लेके चलते थे, 0.446 एफसी के लेके चलते थे, 0.87 एफवाई लेके चलते थे, वो सारी चीजें जैसे जैसे रिड्यूस हो जाएंगी वैसे वैसे आपका मेंबर का जो रिक्वायरमेंट होगा वो बढ़ता चला जाएगा, जो एजी होगा, एएससी होगा, एएसटी होगा, वो सारा चीज इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि आपका 0.87 एफवाई के बदले आप 0.6 एफवाई लेके चल रहे हैं, 0.5 एफवाई लेके चल रहे हैं, इसके वजह से आपका रिक्वायरमेंट बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये हो गया एजम्पशन नंबर टू। एजम्पशन नंबर थ्री, द टेंसाइल स्ट्रेस इज टेकन बाय द रेनफोर्समेंट ओनली एंड नॉट बाय कंक्रीट, ये हम लोग लिमिट स्टेट मेथड में ही पढ़ चुके हैं, ये वन वाला, ये थ्री वाला, ये हम लोग लिमिट स्टेट में पढ़ चुके हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस जो होगा वो सिर्फ रेनफोर्समेंट लेगा, वो कंक्रीट नहीं लेगा, ये हम लोग लिमिट स्टेट में मानते हैं। वर्किंग स्ट्रेस भी इस चीज को मानता है कि आपका ये एक सेक्शन है तो इसमें आपका ये अगर कंक्रीट पूरा है और सिर्फ यहाँ पे आपका स्टील है तो ये पूरा कंक्रीट आपका क्या लेगा, कंप्रेसिव फोर्स, और ये स्टील क्या लेगा आपका, टेंसाइल फोर्स। इसके बाद अजम्पशन क्या आता है, कंक्रीट इन टेंशन जोन इज नेग्लेक्टेड, मतलब आपका ये ऊपर का जो सिर्फ कंक्रीट है सिर्फ ये आपका बात होगा कंप्रेशन जोन के लिए, कंप्रेसिव फोर्स के लिए, और नीचे वाला जो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे का पोर्शन होगा ये आपका टेंसाइल जोन होता है। इसका कहना है वर्किंग स्ट्रेस का भी और लिमिट स्ट्रेस का भी कि ये वाला कंक्रीट आपको किसी भी काम का नहीं है, ये सिर्फ आपको एनवायरमेंट से प्रोटेक्शन देता है आपके स्टील को। तो हम लोग ये दोनों एजम्पशन को मिला के अगर समझे, एजम्पशन नंबर थ्री और एजम्पशन नंबर सिक्स को, तो उसके कहने का मतलब है कि सिर्फ ये कंप्रेशन जोन का जो कंक्रीट है ये लेगा आपको कंप्रेसिव फोर्स, और ये जो स्टील है ये आपको लेगा सिर्फ टेंसाइल फोर्स। ये अगर हम लोग जब कैलकुलेशन में आएंगे तो उसमें जो हम लोग एरिया की बात करेंगे जब कंक्रीट का कंप्रेसिव फोर्स के लिए, तो हम लोग सिर्फ ये वाले एरिया की बात करेंगे जो हम लोग लिमिट स्टेट मेथड में भी करते थे। ये सारा कॉन्सेप्ट अभी तक सिमिलर चल रहा है, वन वाला, थ्री वाला और सिक्स वाला, ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको लिमिट स्टेट में भी है, वर्किंग स्ट्रेस में भी है। डिफरेंट है आपको स्टेप नंबर टू की लीनियर, आपको स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप लीनियर हो जाता है,
स्टेप नंबर 4 इन ऑर्डर टू कंसीडर क्रीप इफेक्ट्स, जो लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन को अगर आप कंसीडर करते हुए, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या करता है, लॉन्ग टर्म के सारे जो प्रॉब्लम्स है, डिफ्लेक्शन है, क्रीप है, उन सारी चीजों को कंसीडर कर लेता है। जब सारी चीजों को कंसीडर कर लेता है तो साइज का रिक्वायरमेंट ज्यादा देता है। तो वो कह रहा है कि जब इन सारी चीजों को कंसीडर करेंगे तो उसके लिए एक मॉड्यूलर रेशियो आएगा जिसका वैल्यू 280/3 इंटू सिग्मा सीबीसी होगा। अब इस चीज पे हम लोग आएंगे भी कि ये चीज क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये मॉड्यूलर रेशियो एक टर्म वो ला रहा है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जो लिमिट स्ट्रेस मेथड में नहीं था। वो ला रहा है कि जब आप इस तरह का कंडीशन होगा कि जब आप क्रीप के बारे में बात करेंगे तो क्रीप को ध्यान में रखते हुए आपको एक वैल्यू ऐड करना पड़ेगा अपने फॉर्मूला में, वो होगा आपका मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो क्या करता है, मॉड्यूलर रेशियो आपका जो स्टील और कंक्रीट ये दोनों कंबाइन होकर के आपका एक आरसीसी सेक्शन बनाता है। दोनों का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग है, दोनों का बिहेवियर अलग है। तो उस दोनों बिहेवियर को कंबाइंड करके एक बिहेवियर बनाने के लिए, और वो भी स्टील को ही चेंज करके कंक्रीट के इक्विवेलेंट करने के लिए, कि अगर हम लोग टोटल को एक कंक्रीट की तरह से समझें और कंक्रीट की तरह से अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो उसके लिए हम लोगों को स्टील को भी कंक्रीट के इक्वल ऑलमोस्ट लाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक मॉड्यूलर रेशियो का वैल्यू IS 456 बताता है। हम लोग जब वर्किंग स्ट्रेस की बात करते हैं तो IS 456 2000 में भी आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड के सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, लेकिन वो दिए गए आपको एनेक्सर बी में। एनेक्सर बी आपको पेज नंबर 80 से स्टार्ट होता है, उसमें आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड के सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। अदरवाइज आपको 1978 वाला जो IS 456 है उसमें आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड का डिटेल में एक्सप्लेनेशन था। IS 456 2000 में लिमिट स्टेट का डिटेल्ड है एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड के भी आपको कॉन्सेप्ट उसमें दिए हुए हैं। तो आप अगर आप IS 456 2000 देखेंगे पेज नंबर 80 पे, तो आपको हेडिंग दिया हुआ है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हिसाब से मॉड्यूलर रेशियो है वो 280/3 इंटू सिग्मा सीबीसी होना चाहिए। हम लोग मॉड्यूलर रेशियो के बारे में वैसे जानते हैं कि मॉड्यूलर रेशियो आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट भी होता है। तो इस वाले फॉर्मूला में प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ये होता है आपका शॉर्ट टर्म, और आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या करता है, लॉन्ग टर्म के आपके कॉन्सेप्ट को भी एक साथ डील कर लेता है। तो इस वाले वैल्यू से जब आप मॉड्यूलर रेशियो निकालते हैं तो वो परफेक्ट नहीं निकलता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए। इसलिए IS 456 2000 हम लोगों को बताता है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए ये एम्पिरिकल फॉर्मूला लेना है। ये डिराइव नहीं कर सकते, ये एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है 280/3 इंटू सिग्मा सीबीसी। सिग्मा सीबीसी क्या होता है, सिग्मा सीबीसी होता है आपको परमिसिबल, सिग्मा सीबीसी इज इक्वल टू परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इन कॉम्प्रेशन। इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। सिग्मा सीबीसी का मतलब है कि ये वाला कॉन्क्रीट ये आपका कॉम्प्रेशन में है, और इसमें ही हम लोग, क्योंकि बेंडिंग की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कि जब आपका बेंडिंग आएगा, क्योंकि आपका अगर सिर्फ इसके ऊपर अगर आपका कॉम्प्रेसिव लोड आए कॉन्क्रीट के ऊपर, तो कॉन्क्रीट अलोन आपका कॉम्प्रेसिव फोर्स बियर कर सकता है जितना उसका परमिसिबल लिमिट होगा। लेकिन जैसे ही आप उसमें बेंडिंग लाते हैं, फ्लेक्सर लाते हैं, वैसे ही आपको रेनफोर्समेंट का रिक्वायरमेंट आ जाता है। जैसे हम लोग बीम में पढ़े थे कि बीम और स्लैब आपका सस्पेंडेड होता है, आप सिर्फ कंक्रीट का बना देंगे वो गिर जाएगा, क्योंकि उसका जो आपका कैपेसिटी होता है वो आपको होता है 0.7 √FCK। मतलब अगर आप M25 की बात कर रहे हैं तो M25 में 25 न्यूटन पर MM² का आपका कॉम्प्रेसिव लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है, और इसका अगर हम लोग टेंसाइल फोर्स की बात करेंगे तो 0.7 √FCK हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट आपको 3.5 न्यूटन पर MM² हो जाता है। तो जब 25 जिसका कॉम्प्रेसिव फोर्स है, लोड कैरिंग कैपेसिटी है, वो 3.5 ही टेंसाइल ले पा रहा है, इसका मतलब है कि टेंसाइल लोड वो नहीं बियर कर पाएगा। तो जैसे ही आप एक स्लैब कास्ट करेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा भी लोड पड़ेगा वो स्लैब गिर जाएगा या वो बीम गिर जाएगा। तो वहां से हम लोग लगाए थे कि हम लोग रेनफोर्समेंट लगाएंगे और RCC बनाएंगे। तो जब RCC बनाएंगे तो आपका ये वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, इसमें बेंडिंग आ रहा है, ये वाला बीम के ऊपर लोड पड़ेगा तो ये बेंड करेगा। तो बेंड करेगा तो इस वाले कॉम्प्रेसिव जोन वाले कंक्रीट में बेंडिंग के कंडीशन में कितना इसका परमिसिबल स्ट्रेस है, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम लोगों को बताता है। वो क्या बताता है, वो बोलता है सिग्मा सीबीसी इज इक्वल टू जो आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट है डिवाइडेड बाई 3। क्या है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। वो कहता है कि जो आपका स्ट्रेंथ है जैसे 25 है या मान लीजिए आपका 20 है, तो कहता है 20 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर दीजिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में परमिसिबल हम लोगों को स्ट्रेस निकालने के लिए, तो वो हम लोगों को 3 लेना है। तो 3 लेना है तो ये आएगा 6.67, जिसको इक्विवेलेंट टू आप देखते होंगे कि 7 न्यूटन पर MM² हम लोग लेके चलते हैं। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका कॉन्क्रीट का एक्चुअल कैपेसिटी है लेने का 20 कॉम्प्रेसिव में।
आपका कॉम्प्रेसिव फोर्स आ रहा है तो वो 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ले सकता है, बट क्योंकि उसमें बेंडिंग आ रहा है इस वजह से वर्किंग स्ट्रेस मेथड कहता है कि अब इस 20 को आपको कंसिडर नहीं करना है, आपको कंसिडर करना है 7 को। इसका एक्चुअल कैपेसिटी अभी आपका 7 मान रहा है। आप क्या कर रहे थे, आप 20 लेकर के डिजाइन कर रहे थे, थोड़ा डिफ्लेक्शन आएगा, उस डिफ्लेक्शन के हिसाब से चेक कर ले रहे थे कि परमिसेबल लिमिट्स के अंदर है तो फिर ठीक है, नहीं है तो हम लोग साइज वगैरह चेंज करेंगे। लेकिन ये क्या कर रहा है, पहले ही जो आपका कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर दे रहा है। अब बोल रहा है इसके हिसाब से आपको साइज प्रोवाइड करना है, तो जब आप इतना कम स्ट्रेंथ लेकर के चलेंगे, इतना बड़ा साइज का आप बीम प्रोवाइड करेंगे तो डिफ्लेक्शन और क्रैक्स में वैसे ही नहीं आएगा। आप इमेजिन करके देख लीजिए कि अगर आपको एक कैपेसिटी है, आप अगर 2 पर्सन मिलकर के आपको लोड को कैरी कर सकते हैं, लेकिन आप पहले ही बता रहे हैं कि 6 पर्सन इसमें रिक्वायर्ड होंगे कम से कम, तो आप 6 पर्सन को प्रोवाइड कर दे रहे हैं उस लोड को बियर करने के लिए, तो किसी भी एक पर्सन में स्ट्रेस नहीं आएगा, तो सारे पर्सन इजिली आपको हैप्पीली उस लोड को कैरी कर सकेंगे। लेकिन अगर 2 ही पर्सन कैरी करते तो दोनों पर्सन के ऊपर पूरा स्ट्रेस रहता, वो थकते, उनमें थकान आता क्योंकि लोड बहुत देर रहता, तो उनके बॉडी पे स्ट्रेस आता। आप क्या कि वो पर्सन को थकने नहीं दे रहे हैं, आप पहले ही कह रहे हैं कि 6 पर्सन रिक्वायर्ड होंगे इस लोड को कैरी करने के लिए, आप 6 उसको हैप्पीली कैरी कर सक रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, मतलब 2 लोगों के काम को आप 6 लोगों से करवा रहे हैं, तो वो वेस्टेज हुआ, 4 लोगों का वेस्टेज हो रहा है उसमें। वो होता है आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, आपको कुछ कॉन्क्रीट का वेस्टेज होता है, कुछ स्टील का वेस्टेज होता है जो रिक्वायर्ड नहीं था, वो 2 पर्सन जो ले रहे हैं वो उसके डिजाइन पीरियड, जैसे 50 ईयर्स तक अगर उसको कैरी करके रखना था तो 50 ईयर्स तक वो उसको कैरी कर सकते हैं, बट आप ये कंसिडर करना ही नहीं चाह रहे। आप चाह रहे हैं किसी में कोई स्ट्रेस नहीं आए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आए, थोड़ा सा भी वो पर्सन में स्ट्रेस नहीं हो, आप इसलिए एक्स्ट्रा पर्सन प्रोवाइड कर दे रहे हैं। वही काम यहाँ पे आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड कर रहा है, आपको एक्स्ट्रा साइज प्रोवाइड कर दे रहा है बीम्स का उसी लोड को कैरी करने के लिए, जिस लोड को कम साइज में भी आप प्रोवाइड कर सकते थे, लिमिट स्टेट मेथड करता है। अगर आप 200 जब अगर एक टाइम रहा और हम लोग एक न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसमें आपका अगर 200 किलो न्यूटन का लोड है, इसी को कैरी करने के लिए लिमिट स्टेट मेथड ये भी मांग रहा है, लेकिन वर्किंग स्टेट मेथड क्या कर रहा है, ये भी मांग रहा है सेम लोड को कैरी करने के लिए। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ आप उसका जो स्ट्रेस है इसको लिमिट कर दे रहे 7 तक ही। जब हम लोग फॉर्मूला लेते थे, जैसे हम लोग लिए थे 0.446 FCK BXU, तो इसमें हम लोग FCK क्या लेके चलते थे, 20, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या लेते हैं 0.446 ऑफ 20, ये हम लोग लेके चलते थे। वो क्या कह रहा है कि इस सारे को भूल जाइए, इस सारे की जगह पे सिर्फ 7 ले लीजिए अगर आपका M20 की बात हो रही है तो। अब ये 0.446 into 20 करके अगर ये आपका 9 के अप्रॉक्स आ रहा है और आप उसको 7 ले ले रहे हैं, तो आप 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का कैपेसिटी कम ले ले रहे हैं, उसके हिसाब से साइज ज्यादा रिक्वायर्ड आएगा। जरूरी नहीं है कि डबल आएगा, अगर आप यहाँ से देखेंगे कि 7 और 20 का डिफरेंस हो रहा है तो एक्चुअली 7 और 20 नहीं हो रहा है, आप 20 भी नहीं लेते थे, आप 0.446 FCK लेके चलते थे, तो 0.446 into 20 हो जाता था अप्रॉक्सीमेटली 9.87 ऐसे कुछ आएगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं 7 लेकर के चल रहे हैं, तो जब 7 लेकर चलेंगे तो साइज कम आएगा, डिफ्लेक्शन को आप सारी चीजों को कम करने के लिए आप ये वाला वैल्यू लेकर चलते हैं। ये है आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड का कॉन्सेप्ट, ये यही कराता है कि आपको साइज ज्यादा प्रोवाइड कराता है, ये परमिसिबल स्ट्रेस को क्या करता है, वो रिड्यूस कर देता है। तो ये हुआ हम लोग सीबीसी की जब बात करते हैं तो सिग्मा सीबीसी हुआ आपको कंक्रीट का परमिसिबल वैल्यू, इसी तरह से आपको आता है सिग्मा एसटी ये होता है आपको स्टील का परमिसिबल वैल्यू। इसके बाद हम लोग एजम्पशन डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद हम लोग परमिसिबल वैल्यूज पे आएंगे, जिसमें हम लोग स्टील का और कंक्रीट का दोनों का हम लोग परमिसिबल वैल्यूज की बात करेंगे कि आपको IS 456-2000 वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हिसाब से आपको कितना दोनों का परमिसिबल स्ट्रेस लेने के लिए कहता है, उसके हिसाब से हम लोगों का आगे जो एनालिसिस होता है, जो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम लोग करते तो हम लोग वो वैल्यूज लेके चलते जो हम लोग अभी क्या करते 0.875 लेके चल रहे थे। जब भी टेंसाइल जोन में हम लोग स्टील की बात कर रहे थे, जो आप फॉर्मूला देखते थे, अगर आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड से निकालते तो आप 0.875 EST into D-0.42 XU कर देते, आपका वैल्यू इंटू मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म, टेंशन फोर्स इंटू लीवर आर्म, तो आप टेंशन फोर्स कैसे निकाले 0.875 EST, 0.875 EST क्या होता है, 0.875 आपको स्ट्रेस होता है, EST आपको एरिया होता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या करेगा, वो 0.875 को हटा देगा, उसके बदले आपको एक परमिसिबल वैल्यू बता देगा कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो आप वो मैक्सिमम वैल्यू को लेकर चलेंगे, वो 0.875 से कम होता है, तो जब कम होता है तो आपका वो वैल्यू जो होता है वो आपका रिड्यूस हो जाता है, तो आपका EST का रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाता है। ये सारी चीजें हम लोग एनालिसिस वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ये उसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। तो आपके एजम्पशंस में हम लोग सारे एजम्पशंस डिस्कस कर लिए, एक एजम्पशन नंबर 5 है, देयर इज परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, ये भी हम लोग लिमिट स्टेट मेथड में पढ़े हैं, मतलब ओवरऑल हम लोग एजम्पशन नंबर 1, एजम्पशन नंबर 3, एजम्पशन नंबर 5 और एजम्पशन नंबर 6, ये 4 एजम्पशंस हम लोग पढ़ रखे हैं लिमिट स्टेट मेथड में भी, कि अगर आपके स्टील और कंक्रीट में बॉन्ड नहीं होगा प्रॉपर तो फिर वो RCC नहीं होगा, जब वो RCC नहीं होगा तो ये सारा कॉन्सेप्ट उसके ऊपर लागू ही नहीं होता है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि स्टील और कंक्रीट जो है वो हमारा परफेक्ट दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है।
आपको वर्किंग स्टेप मेथड में ये वाला स्टेप नंबर टू और ये स्टेप नंबर फोर, ये दो नए कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको याद रखना है। ये काफी आसान है आपके लिए। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात हो रही है, ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है स्टील के लिए भी कंक्रीट के लिए भी। इसके बाद जब कहा जाएगा कि आप स्टील और कंक्रीट दोनों को ट्रांसफॉर्म करके एक सिर्फ बात कीजिए सिर्फ कंक्रीट के टर्म में, तो आपको स्टील को चेंज करना पड़ेगा कंक्रीट के टर्म में, उसमें आपको ये मॉड्यूलर रेशियो काम आएगा। तो जब भी हम स्टील की बात करेंगे उसके साथ मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलर रेशियो रहेगा, मॉड्यूलर रेशियो के वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, सिग्मा सीबीसी आपको पता चल जाएगा कि परमिसिबल स्ट्रेस आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हिसाब से आईएस कोड क्या कहता है, उसके हिसाब से आप यहाँ पुट कीजिएगा। तो इस पूरे फॉर्मूला में सिर्फ सिग्मा सीबीसी आपको पता होना चाहिए, सिग्मा सीबीसी के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, इसके बाद आपको मॉड्यूलर रेशियो निकल जाएगा। तो अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से अलग अलग सिग्मा सीबीसी आएगा। जैसे अभी हम बात किए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 होता है, अगर हम M10 की बात करेंगे तो M10 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 3.33, M15 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 5, M20 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 6.67, तो M25 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 8.33। तो इस तरह से करके आपका सिग्मा सीबीसी निकलते चला जाएगा। सिग्मा सीबीसी पुट कीजिए तो अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से आपको मॉड्यूलर रेशियो मिलते चला जाएगा। इसी मॉड्यूलर रेशियो को लेकर के हम लोग आगे कैलकुलेशन करते हैं। एक तरह से समझिए कि ये आपका जैसे मॉडिफिकेशन फैक्टर यूज होता था, सेम नहीं होता है, लेकिन जैसे आप मॉडिफिकेशन फैक्टर यूज करते थे लिमिट स्टेट मेथड में, वैसे ही आपको मॉड्यूलर रेशियो भी एक टर्म ध्यान में रखना है। जब भी आपको साइज निकालना होगा, जब भी आपको कैलकुलेशन करना होगा, मॉड्यूलर रेशियो की बात होगी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। तो हम लोगों का ये था सारा एजम्पशन जो हम लोग लेके चलते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे कि हम लोगों का परमिसिबल स्ट्रेसेस जो स्टील और कंक्रीट में क्या क्या होता है, IS 456:2000 वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हिसाब से हम लोगों को क्या क्या परमिसिबल वैल्यू देता है। अब हम लोग बात करेंगे परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील की, जिसका हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एसटी। हम लोग तीन तरह के परमिसिबल स्ट्रेसेस के बारे में बात करेंगे, सिग्मा सीबीसी, सिग्मा सीसी और सिग्मा एसटी। अब हम लोग सिग्मा सीबीसी क्या होता है ये हम लोगों को पता है कि हम लोग का कंक्रीट जब हम लोग कंप्रेशन में बात करेंगे तो उसमें आपको बेंडिंग में कितना परमिसिबल स्ट्रेस होगा उसको सिग्मा सीबीसी बोलते हैं। इसको हम लोग लिखे हुए परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन, बेंडिंग भी हो रहा है कंप्रेशन में भी है, उसको हम बात करते हैं सिग्मा सीबीसी। तो इसका वैल्यू होता है FCK डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग 3 लेके चलते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड, हम लोगों को बोलता है कि 3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है। फिर जब हम लोग आएंगे सिग्मा सीसी परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन डायरेक्ट कंप्रेशन, जो हम लोग कॉलम की जब बात करते थे उसमें हम लोगों का प्योर अगर कंसेंट्रिक लोड होता है तो वो हम लोगों का डायरेक्ट कंप्रेशन होता है। वैसे केस में जब हम बात करेंगे तो FCK डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसमें हम लोग लेते हैं 4 का, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेते हैं, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 लेते हैं, बेंडिंग में 3 कंप्रेशन में 4। इसके बाद हम लोग सिग्मा एसटी, ये होता है हम लोगों का परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, जो कि ऑब्वियसली टेंशन की बात होती है, तो उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें हम लोग यहाँ हम लोग इक्वल लगाए हैं, यहाँ इक्वल लगाए हैं, मगर यहाँ हम लोग अप्रोक्सीमेटली लगाए हैं नियर इक्वल टू 0.55 FY, क्योंकि ये एग्जैक्टली 0.55 FY नहीं होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 0.55 FY होता है। ये आपको तो 0.55 FY से हम लोग अभी जब डिस्कस करेंगे तो जब आप वैल्यूज निकालेंगे तो आप देखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 0.55 FY के आसपास ही आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है हम लोगों का तीन तरह का स्ट्रेसेस जो कंक्रीट और स्टील में आएगा, जो हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अब परमिसिबल स्ट्रेसेस सिग्मा सीबीसी और सिग्मा सीसी, ये दोनों कंक्रीट में आ रहा है, सिग्मा एसटी आपको स्टील में आ रहा है। तो कंक्रीट में हम लोग बता दिए, इसमें एक टेबल बना दिए, ये टेबल आपको IS 456 जो 2000 जिस वर्किंग स्ट्रेस मेथड का एनेक्सर बी है वो आपको पेज नंबर 82 पे है, तो ये आपको पेज नंबर 83 पे मिलेगा, सॉरी 81 पे मिलेगा, पेज नंबर 80 से आपका एनेक्सर बी स्टार्ट होता है, तो पेज 81 पे आपको ये दोनों टेबल मिल जाएगा, 81 पे ये भी और ये वाला भी, पेज 81 IS 456:2000, ठीक है। अब इसमें देखिए अलग अलग कंक्रीट ग्रेड है, M10 से देखिए M50 तक का टेबल उसमें दिया हुआ है, तो इसमें आपको M10 का हम लोग बेंडिंग के बारे में बोले हैं कि FCK डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो M10 डिवाइडेड बाई 3 करते तो 3.33 आया था। IS 456 क्या करता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेता है राउंड फिगर्स में, या तो नियरेस्ट राउंड फिगर होगा या फिर नेक्स्ट राउंड फिगर होगा, तो 3.33 का नियरेस्ट राउंड फिगर क्या होगा 3 हो जाएगा। फिर हम लोग M15 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 5 एक्यूरेट हो जाता है, तो ये आपको इक्वल होगा। M20 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 6.67 होगा, उसका नियरेस्ट राउंड फिगर लेता है IS 456, ये हो जाता है आपको 7। फिर उसी तरह 25 को करेंगे तो 8.33, इसका नियरेस्ट ले लिया 8.5, 30 के लिए 10, 35 के लिए 11.5, 40 के लिए 13, 45 के लिए 14.5 और 50 के लिए 16। ये वैल्यूज आपको है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, क्योंकि ये भी आपको न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही था, तो
तो इसी से डिवाइड बाई 3 किए तो ये वैल्यूज आ गया, इसको डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएगा डायरेक्ट कॉम्प्रेशन का। 10 डिवाइड बाई 4 2.5, 15 डिवाइड बाई 4 अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग आएगा तो 4 हो गया, 20 डिवाइड बाई 4 5, इसी तरह से करके ये सारा वैल्यू जो है 50 का आपको 12.5 होता है बट वो आपको 12 दिया गया। तो ये सारा वैल्यू जो है ये एफ सी के बाई 4 आप इसको लिख सकते हैं, एफ सी के बाई 4 ये एफ सी के बाई 3। तो ये सारा हो गया आपको कंक्रीट का आपको परमिसिबल स्ट्रेसेस, इसी वैल्यूज को हम लोगों को लेकर के आगे जब एनालिसिस करते तो हम लोग यही सारे वैल्यूज को लेकर के करते, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्टील के बारे में। स्टील में आपको दो तरह के स्टील होते हैं, माइल्ड स्टील HYSD बार्स, माइल्ड स्टील Fe250, HYSD Fe415 और Fe500 को कहते हैं। अब माइल्ड स्टील के लिए आपको टेंशन में आपको दो कंडीशन दिया गया है, बार्स अप टू 20 mm, मतलब लेस देन और इक्वल टू 20 mm वाले बार्स, या फिर ग्रेटर देन 20 mm वाले, जैसे 21 से लेकर के बियॉन्ड जितना भी होगा वो सारे सेकंड कंडीशन में आएंगे और लेस देन इक्वल टू 20 mm वाले फर्स्ट कंडीशन में। इसके हिसाब से माइल्ड स्टील में परमिसिबल स्ट्रेस 140 हो जाता है और HYSD में 230 हो जाता है। जब ग्रेटर देन 20 mm की बात करते हैं तो आपको ये रिड्यूस हो जाता है थोड़ा सा स्ट्रेस, ये 130 हो जाता है और HYSD के लिए सेम रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। फिर जब हम लोग ये तो हुआ टेंशन के बारे में, जब यही बार हम लोग टेंशन में लेंगे, जब कॉम्प्रेशन में आते हैं तो इसमें बार के डायमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें डायरेक्टली जब माइल्ड स्टील की बात करते हैं तो 130 लेते हैं और HYSD की बात करते हैं तो 190 लेते हैं। मतलब अगर हम लोग जब कॉलम वगैरह डिजाइन करेंगे तो हम लोगों को अगर माइल्ड स्टील पता है तो डायरेक्टली स्ट्रेस हम लोगों का 130 हो गया और जब HYSD पता है तो डायरेक्टली हम लोगों का 190 हो गया। अब आप ये डिफरेंस समझिए, आप लोग Fe250 हम लोग क्या लेते थे इसमें 0.87 FY, Fe250 के लिए कितना हो जाता था ये अप्रोक्सीमेटली 187.5 होता था, आई गेस 0.87 FY करने से, ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना होगा, या ये सॉरी 217 होता था मेरे हिसाब से 217.5 ये होता था आपको 250 के बार के लिए, Fe250 के लिए। अभी इसमें कितना आ रहा है मैक्सिमम किसी भी केस में 140, आप कितना लेते हैं 140, ये आया आपका स्ट्रेस का डिफरेंस। फॉर्मूला सारा सेम उसी कॉन्सेप्ट पे रहेगा, सिंगल रिइंफोर्स कीजिए, डबल रिइंफोर्स कीजिए, बेसिक जो है आपका वो लिमिट स्टेट के जैसा ही है, लिमिट स्टेट बाद में आया वर्किंग स्ट्रेस के, लेकिन आपको क्योंकि हम लोग लिमिट स्टेट पहले समझाए थे इसी वजह से कि सारे किसी भी कंपोनेंट को डिजाइन कीजिएगा कॉन्सेप्ट वैसे ही रहेगा, स्ट्रेस इनटू एरिया कीजिएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिएगा, न्यूट्रल एक्सिस निकालिएगा, स्टील निकालिएगा। लेकिन जब आप उसमें 217.5 लेके चलते थे Fe250 में, वहां आपको लेके चलना है 140, और जब आप आएंगे HYSD बार में तो आपको ये 0.87 इंटू 500 ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपको 0.87 इंटू 500 लगभग हो जाता है 420 के आसपास हो जाता है न्यूटन पर mm2, और यहाँ हम लोग कितना लेके चल रहे हैं 230 मैक्सिमम किसी भी कंडीशन में, टेंशन में या कॉम्प्रेशन में, तो टेंशन में मैक्सिमम 230 है। तो ये डिफरेंस आप देख रहे हैं, ये इसमें तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास पहुंच गया, यहाँ तो ऑलमोस्ट डबल नहीं हुआ बट यहाँ ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो जब इतना डिफरेंस आएगा, इतना ज्यादा आप प्रोवाइड करेंगे डबल के हिसाब से, तो आपका वो सेफ ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन और क्रैक में सेफ होगा ही होगा, लोड बेयरिंग में तो सेफ होगा ही, लेकिन आपको डिफ्लेक्शन और क्रैक में भी सेफ होगा। तो ये वाले कॉन्सेप्ट को ही हम लोग चेंज किए जब हम लोग लिमिट स्टेट मेथड में आए, हम लोग डिफ्लेक्शन अलाउ किए, डिफ्लेक्शन के लिए कुछ कंडीशंस चेक कर लिए, उसी तरह हम लोग सेम आपको स्टील में भी हुआ कॉन्क्रीट में भी हुआ। लेकिन हम लोग जब वर्किंग स्ट्रेस ले रहे हैं तो ये आपको 140, ये 230 ले रहे हैं, जहाँ पे 270 और 420 के अप्रोक्सीमेटली हम लोग लेके चलते थे, ये वाला आपको डिफरेंस आ जाता है। तो ये आपको परमिसिबल स्ट्रेसेस जो कंक्रीट और स्टील में, इसी को हम लोग आगे लेकर के जो हम लोग जब हम लोग फोर्स निकालते हैं कहीं पे कॉम्प्रेसिव फोर्स अगर निकालते हैं तो हम लोग क्या करते थे, जैसे 0.446 FCK ये कॉन्क्रीट के लिए स्ट्रेस इंटू उसका हम लोग एरिया कर देते थे, एरिया हम लोग क्या लेते थे बी इंटू XU ले लेते थे, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन हो गया और ये हम लोगों का स्ट्रेस हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है वर्किंग स्ट्रेस, सी इज इक्वल टू सिग्मा CBC इंटू ए, और टेंशन की जब हम लोग बात करेंगे तो सिग्मा ST इंटू AST, यही हम लोग करते थे 0.87 FY इंटू AST करते थे, तो 0.87 FY को हम लोग सिग्मा लिखते थे, ये AST हो जाता था। अब कह रहा है सिग्मा नहीं लेकर के सिग्मा ST लो, सिग्मा ST कहां से लेंगे इसमें से लेंगे, अब ये वाले वैल्यूज को वहां पे लेना है और उसके हिसाब से टेंसाइल फोर्स निकालना है। ऑब्वियसली जब आपका ये सारा वैल्यूज होगा ये कम आएगा और आपका रिइंफोर्समेंट और साइज जो रिक्वायरमेंट होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आप ये वाला वैल्यू को कम ले रहे हैं। अगर आप AST निकालना चाहेंगे तो ये आपको इधर डिवाइड हो जाएगा, जब ये डिवाइड हो जाएगा तो ये वैल्यू कम है तो ये रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा आ जाएगा, तो ज्यादा आ जाएगा तो आपको ज्यादा रिइंफोर्समेंट देना पड़ेगा। ये होता है आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड का कॉन्सेप्ट। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस किए एजम्पशन, एजम्पशन में मॉडुलर रेशियो आया, मॉडुलर रेशियो में आपको परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील आया, हम लोग डिस्कस कर लिए परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील।
अब आज के क्लास को हम लोग बहुत लेंदी नहीं करेंगे, आज के क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वाले क्लास में उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोगों का एनालिसिस है, एक सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे, और उसको हम लोग क्योंकि उस वाले क्लास में सिर्फ एनालिसिस रह जाएगा तो एनालिसिस करेंगे, फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल देखना चाहेंगे जिसको हम लोग लिमिट स्टेट से सॉल्व करके पहले देखेंगे। फॉर्मूला हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं यूनिट नंबर 2-3 में, हम लोग उससे निकालेंगे फॉर्मूला, वहां से हम लोग इसको डायरेक्टली पुट करके वैल्यू निकालेंगे, और फिर उसको हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड से करके देखेंगे कि इसके हिसाब से क्या साइज रिक्वायर्ड आता है या क्या स्टील रिक्वायर्ड आता है। आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपके सिलेबस में, आपको न्यूमेरिकल नहीं समझना है, लेकिन न्यूमेरिकल करके आपको देखने से ये क्लियर होगा कि अगर आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड से बनाते तो उसमें क्या साइज आता, क्या स्टील आता, और अगर आप उसको लिमिट स्टेट मेथड से बना रहे हैं तो आपको क्या साइज और क्या स्टील आता है डिफरेंस पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग एनालिसिस करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड का, और एक न्यूमेरिकल सिर्फ कॉन्सेप्चुअली हम लोग समझेंगे, उसके वैल्यूज पे हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। हम लोगों का पर्पस होगा ये समझना कि हम लोग आखिर वर्किंग स्ट्रेस मेथड छोड़ के लिमिट स्टेट मेथड में क्यों आ रहे हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास में ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू।